नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेवय बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का AIGDC यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके इस वीडियो का सब्सक्राइब करना और शेयर करने का कष्ट करें। मैं इस वीडियो के अंदर बहुत लोग सोशल मीडिया के अंदर फोन करके मेलों में पोर्टल कब खोलेगा Rule 3 का रिक्वेस्ट ट्रांसफर का संबंध में पूछ रहा है। इस वर्ष सिर्फ जून महीने में हुआ है, ऐसे पिछली साल 4 बार हुआ था। इस बार 11,000 लोगों का पहले जून महीने में मिला है। अभी सितंबर में होना चाहिए था और दिसंबर में होना चाहिए था। इस संबंध में हम लोग भी लेटर भी पहले लिखा है, पुराना तरीके से होना चाहिए करके हम भी बात किया इनफॉर्मल कुछ मीटिंगों में और पर्सनली कुछ आयर ऑफिसर्स के साथ। इसमें कुछ सर्कलों का कुछ जगह का अभिप्राय के मुताबिक को साल में 2 बार होना चाहिए रिक्वेस्ट ट्रांसफर, 4 बार का जरूरत नहीं करके एक अभिप्राय है। हमारा राज लोग बोला है ये GDS का दिया गया एक सुविधा है। इस सुविधा ये क्योंकि GDS एम्प्लॉयस लो पेड एम्प्लॉयस है, कम तनखा वेतन भोगी है। इस कम तनखा में एक राज्य सेल के दूसरी डिवीजन दूर दूर में रहना, एक सर्कल से दूसरी सर्कल में चल के, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चल के काम करना मुश्किल होता है। ये नेचुरल है, खुद डिवीजन नजदीक आने के लिए चाहता है। हमारा यूनियन का बहुत प्रयास के बाद ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर आया है। ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऐसे कंटिन्यू होने से नया GDS का एक वेलफेयर में आएगा। हाल में हम लोग भी एक इंस्ट्रक्शन वगैरह डिपार्टमेंट हमारे पास भेजा, कुछ लेटर वगैरह लिखा है इस संबंध में। आप लोग का मालूम है, एक बार रिक्वेस्ट ट्रांसफर होने के बाद तो आप कौन सी सब डिवीजन से दूसरी सब डिवीजन में गए हो तो आपका सीनियरिटी कम आएगा, और यदि आप दूसरी सर्कल आया हुआ डिवीजन में आपका सीनियरिटी जूनियर हो जाएगा। इससे क्या होता है, इस GDS से MTS का 2 साल का समय रखा है, GDS से पोस्टमैन के लिए 4 साल रखा था। इस साल 1 साल का छूट दिया था परीक्षा लिखने के लिए। इससे आने वाला समय में यदि रिक्वेस्ट ट्रांसफर आके आया उनको भी देना, ये प्रश्न उठा बहुत सर्कलों से इस संबंध में। क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट ने दिया कि ये डिवीजन के अंदर रिक्रूटमेंट में और DPC होने का समय में, आपका मालूम है GDS से आप परीक्षा लिखा नहीं हो तभी कुछ समय के बाद हो ये DPC होता है। कुछ बड़ा शहरों में RMS में ये प्रश्न है, हैदराबाद हो इत्यादि में, बाहर से सीनियर GDS एक डिवीजन से शहर का डिवीजन में आया है, उनको सर्विस तो हो चुका है 10-15 साल, अभी उनको DPC में सीनियरिटी का कम हम लोग का नहीं मिल रहा है, एक इशू था। इस संबंध में कुछ क्वेरी वगैरह मांगा गया था, इस संबंध में दिया है GDS देखना है। यदि 1 साल 2 साल के पहले एक जगह से एक जगह में गए हो तो ठीक है, मैनेज कर सकता। यदि आप 15-20 साल एक जगह में करके दूसरी जगह में जाओ तो आप प्रमोशन लेना चाहे हो तो मुश्किल होता, उन बिंदुओं का भी आपको देखना है। पहले 2000 से लेके 2006 तक को कोई रिक्वेस्ट ट्रांसफर नहीं था। समय समय पर संघर्ष, समय समय पर हमारा दबाव के कारण एक फ्रेंडली, एक किसी का पूछना नहीं, ऐसे ऑनलाइन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का Rule 38 की तरह GDS का भी ये रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑनलाइन पर आया है, अच्छा तरह चला है। इसमें डिपार्टमेंट देख रहा है, मुझे उम्मीद है हो सकता है इसी महीने में यदि रिक्वेस्ट ट्रांसफर आ भी सकता, हम लोग इसी में जल्दी देने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करने का हम लोग कोशिश कर रहा है। इस संबंध में हम लोगों बातचीत करके हमारा अभिप्राय दिया है। आप लोग का मालूम है साथियों, हमारा संगठन के साथ आने वाला 18 सितंबर को हमारा यूनियन और डिपार्टमेंट का
डीजी पोस्ट सेक्रेटरी पोस्ट पोस्टल हायर ऑफिसर्स के साथ पीरियडिकल मीटिंग होना जा रहा है। इसमें हम लोग उन मुद्दों का उठाएगा, जरूर रिक्वेस्ट ट्रांसफर हो, दिल्ली सर्कल का स्पेशल ड्राइव हो और टारगेट का संबंध में हो रहा है। आजकल ये टारगेट से बहुत जगह में परेशानी आ रहा है, साउथ नॉर्थ हर जगह में एक आर दो जीडीएस सुसाइड करने का भी उत्तर प्रदेश एटा जानकारी मिला है। उन सारे बिंदुओं का डिपार्टमेंट के सामने हम लोग रखने का कोशिश करेगा। यही हम लोग का इंट मिल रहा है कि इसी महीने में होने का चांसेस है। यदि नहीं हो तो डिपार्टमेंट पॉलिसी में चेंजेस हो तो दिसंबर महीने में जरूर आएगा। हम लोग आशा और विश्वास है इस महीने आना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेगा। यही मैं बोलते हुए दोबारा आप लोग का आभार करते हुए, एक दिया गया एक सुविधा ये अधिकार नहीं, समझ रहा है ना, इसलिए डिपार्टमेंट सब कुछ देखता है। इसलिए कृपा करके हमारा संगठन जीडीएस के हित के लिए काम करता है, जीडीएस वेलफेयर के लिए काम करने के लिए हर मुद्दा इस संबंध में हम लोग उठा के कोशिश करेगा। ये सभी का ये दिया गया सुविधा मिलना चाहिए, यही मैं बोलते हुए कृपा करके इसका शेयर करिए, सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।